हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चेन्नई एक्सप्रेस रियल लाइफ में। मैं आज आपके लिए लाई हूँ सूजी उपमा की रेसिपी। देख सकते हैं कितना टाइम कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप सूजी ले लिया है, उसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे करीबन 10 से 15 मिनट, और फ्लेम जो है लो रखेंगे। ये देख सकते हैं हमारा 10 से 15 मिनट हो चुका है और सूजी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी तरीके से बिना ऑयल का हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके लिए मैंने सब वेजिटेबल कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे 2 मिर्च कट कर लिया है लंबे, पीनट लिया है, एक टमाटर लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है, उसे भी हमने बारीक कट कर लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा जीरा राई लिया है। यहाँ पे मैं बारीक राई का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें 6 to 7 स्पून ऑयल डालेंगे। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है, जिससे क्योंकि हमने सूजी में ऑयल नहीं डाला है, इसलिए हम इसी में डायरेक्ट ऑयल डालेंगे। और हम इसमें अब ऑयल गर्म हो चुका है, मिर्च डालेंगे और मिर्च को अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें पीनट डालेंगे और पीनट को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसी में थोड़ा सा दाल यूज़ कर सकते हैं, जो दाल आपको पसंद है। अब हम इसमें जीरा राई डालेंगे, उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें आप इस समय काजू भी डाल सकते हैं, वो भी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। अब हम इसमें ऑनियन और करी लिप्स डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे करीबन 5 से 10 मिनट तक, जब तक हमारा ऑनियन में कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरीके से सूजी उपमा जो है हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बहुत से लोग हैं खिला खिला खाना पसंद करते हैं, पर वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके हेल्थ में बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके हेल्थ में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये देख सकते हैं हमारा ऑनियन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम टमाटर ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता है, तब तक हम इसे कैप लगा के अच्छे से पकने देंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप उपमा बनाइए, और आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं जो भी रेसिपीज़ बनाती हूँ हेल्थ को लेकर ही बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे पहले 1 कप सूजी लिया था, इसलिए 3 कप पानी ले रही हूँ। ये मैंने 3 कप पानी डाल दिया है, वो मैंने एक बॉल में लिया था, इसके हिसाब से मैंने डाला है। आप 1 कप कप के हिसाब से लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा पानी देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो गया, अच्छे से बॉल हो चुका है। मैंने हाई फ्लेम में बॉल किया था। अब लो फ्लेम करेंगे और सूजी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सूजी जो है पानी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसे हमें लो फ्लेम में ही इसे अच्छे से मिक्स करना है, और कैप लगा के हम इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। इस तरीके से बनाने से हमारे हेल्थ में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, और हेल्थ भी जो है बहुत ही हेल्दी रहता है। इसलिए अभी जो भी खाते हैं अपने हेल्थ को लेकर ही खाना चाहिए, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। ये देख सकते हैं मैंने 3 कप डालने के बाद भी देख सकते हैं हमारा सूजी कितना अच्छे से खिला हुआ है। आप इसे अब टमाटर की चटनी के साथ सर्व करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगी जो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो। आज के लिए बाय बाय। आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।